क्वेश्चन नंबर 16 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि 3a = 4b = 5c देन a:b:c इज इक्वल टू, बोल रहे कि यदि 3a = 4b = 5c हो तो ये अनुपात 3:c का मान क्या होगा। बहुत ही बेहतरीन तरीका आपको बताने जा रहे हैं, बहुत आराम से समझना। इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आपके पास आएगा ना, आप चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे, चुटकियों में, आपको समय लगना ही नहीं। देखिए कैसे आपको इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने दिया है कि 3a = 4b = तो आप कहेंगे सर 5c। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है a:b:c, यानी कि a:b:c आपसे पूछा गया है, a:b:c आपसे पूछा गया है। तो आपको क्या करना है, a की वैल्यू निकालने के लिए आपको a को हाइड करना है, a को छुपा लीजिए, बाकी दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया 5 × 20, तो ये हो गया 20 अनुपात। ठीक है, अनुपात पता लगाइए। अब b की वैल्यू निकालने के लिए आप b को छुपा लीजिए, तो इसका मल्टीप्लाई यानी कि a के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई c के कोफिशिएंट से कर दीजिए, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 5 × 15, ये कितनी आ गई 15। c की वैल्यू निकालने के लिए आप c को ऐड कर लीजिए और a के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई b से कर दीजिए, तो 3 × 4 कितना हो गया 12। अब किसी अगर कॉमन नंबर से कट रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं कट रहे हैं तो 20, 15, 12 ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि a अनुपात बी अनुपात सी आपका क्या निकल आया, 20, 15, 12 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन सी में दिया। तो देखिए कितना सिंपल हो गया क्वेश्चन आपके लिए। तो अब आपके पास समझ में आया कि जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको हाइड करिए, बाकी दो का मल्टीप्लाई आपको उसी की वैल्यू मिलेगी जिसको आपने हाइड किया है। फिर आपने बी को हाइड किया तो ए और सी का मल्टीप्लाई किया तो आपको किसकी वैल्यू मिली, बी की वैल्यू। आपने सी को हाइड किया तो ए और बी का मल्टीप्लाई आपको किसकी वैल्यू देगा, सी को। जिसको हाइड करेंगे उसी की वैल्यू मिलेगी, जिसको आप छुपाएंगे उसी की वैल्यू आपको मिलेगी। क्लियर होगी बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 आपसे क्या कह रहा है देखिए, ये बोल रहा है कि एवरेज एज ऑफ ए बी एंड सी इज 20 इयर्स एंड दैट ऑफ बी एंड सी इज 25 इयर्स, व्हाट इज द एज ऑफ ए। इन्होंने बोला कि ए बी और सी की औसत आयु 20 वर्ष है तथा बी और सी की औसत आयु 25 वर्ष है, तो ए की आयु क्या है ये आपको बताना है। देखिए सिंपल तरीके से हम इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे, इस तरीके से बनाना है तो देखिए बिल्कुल सिंपल कर देंगे इस क्वेश्चन को आपके लिए। इन्होंने बोला कि ए बी और सी की जो एवरेज एज है, जो औसत आयु है, जो एवरेज एज है वो कितनी दी है एबीसी की, तो इन्होंने बोला है 20 वर्ष, तीनों की औसत आयु 20 वर्ष। इसमें से बी और सी की अगर हम बात करें कि बी और सी की औसत आयु कितनी है, तो बोल रहे 25 वर्ष है, बी और सी की औसत आयु कितनी है 25 वर्ष है। देखिए अगर डायरेक्ट कॉन्सेप्ट से करते हैं तो ये क्वेश्चन कितना ईजी हो जाएगा। आप समझिए कि अगर इन्होंने बोला है कि ए बी और सी तीन अगर बंदे हैं और उनकी औसत आयु 20 वर्ष है, तो हमने आपको औसत आयु में बार बार बताया और एक बार फिर से आपको बताते हैं कि अगर औसत आयु तीनों की 20 वर्ष है, इसका मतलब हर एक की आयु 20 वर्ष एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, हर एक की आयु कितना एज्यूम कर रहे हैं, 20 वर्ष। लेकिन इन्होंने ये बोला कि बी और सी की औसत आयु 25 वर्ष है, इसका मतलब हम बी और सी को कितना एज्यूम कर रहे हैं, बी और सी को, यानी कि बी को भी हम 25 और सी को भी हम 25 एज्यूम कर रहे हैं। अब बताइए यहाँ तीनों को 20 एज्यूम कर रहे हैं और यहाँ कितना 25 एज्यूम कर रहे हैं, तो ये इससे कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे सर ये 5 ज्यादा है, 5 ज्यादा है, तो 5 ज्यादा कितने लोगों में, 2 लोगों में, क्योंकि बी और सी है 2 लोग हैं, तो टोटल कितना ज्यादा हुआ, तो आप कहेंगे सर 10 ज्यादा है। इसका मतलब हम ए को 20 एज्यूम कर रहे थे लेकिन वो 10 लेके चले गए बी और सी अपने साथ, तो ए को अगर हम 20 एज्यूम कर रहे थे तो वास्तविकता में ए कितना नहीं है, 20 नहीं है, तो 20 नहीं है तो कितना कम है वो, क्योंकि 10 ए बी और सी के पास पहुंच गया तो ए की जो आयु है वो 10 वर्ष है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 10 वर्ष आ जाएगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप क्वेश्चन को देखते ही आंसर लगा देंगे, आपको समय नहीं लगने वाला। और अगर नहीं भी क्लियर हुआ तो हम सेकेंड कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को करेंगे, तो हम सेकेंड कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को करेंगे, आप सेकेंड कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन का समझिए। सेकेंड क्या है, ट्रेडिशनली अप्रोच। देखिए ए प्लस बी प्लस सी इन तीनों की आयु का योग निकालते हैं, 20 वर्ष औसत था तो औसत को यदि हम उनकी संख्या से गुणा कर देते हैं तो कुल योग आ जाएगा, ए बी सी की तीनों की कुल योग कितनी हो जाएगी, आयु का 60 वर्ष। जबकि बी और सी की अगर हम बात करें कि आयु का कुल योग कितना है, तो औसत उनका 25 है,
25 अगर दो लोगों का कुल योग कितना हो जाएगा, 50 वर्ष हो जाएगा। अगर हम ए बी सी की कुल आयु में से बी और सी की आयु को माइनस कर देते हैं, बी और सी की आयु को माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 10 वर्ष। तो देखिए बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, तो ए की आयु कितनी आ गई, 10 वर्ष। तो आप जिस तरीके से भी आंसर दे सकते हैं, ये ट्रेडिशनल अप्रोच है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट करना सीख गए तो आपको पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा। क्लियर बात, इस ऑप्शन में दिया है तो 10 वर्ष, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन बी में दिया हुआ है 10 वर्ष, तो ऑप्शन बी आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे क्या कह रहे हैं, राम एंड श्याम कैन कंप्लीट अ टास्क इन 6 होल 2/3 डेज एंड 15 डेज रिस्पेक्टिवली, दे वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज एंड देन राम लीव्स, इन हाउ मेनी डेज After Ram leaves, will Shyam complete the remaining task alone? इन्होंने बोला कि राम और श्याम एक काम को क्रमशः 6 सही 2 बटे 3 दिनों और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर 4 दिन काम किया और उसके बाद राम काम छोड़कर चला गया। शेष काम को श्याम अकेले ही कितने दिन में पूरा कर लेगा, ये आपको बता रहे हैं। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, दो चीजें याद रखनी है, हमेशा दो चीजें याद रखनी है कि हमें वर्क निकालना है और हमें एफिशिएंसी निकालनी है। मतलब क्या, कार कैसे निकलता है, तो जो भी हमें दिन दिए रहते हैं उनका हम एलसीएम लेते हैं तो कार निकल आता है, कार को हम दिनों से भाग देते हैं तो हमारे पास एफिशिएंसी निकल आती है। एफिशिएंसी होती क्या है, तो एक व्यक्ति एक दिन में, एक घंटे में, एक सेकंड में, एक मिनट में जितना काम कर सकता है वो उसकी एफिशिएंसी कहलाती है। तो यहाँ दिन दिए हैं तो एक दिन काम निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं दो व्यक्ति हमारे पास, राम और श्याम। तो अगर हम राम और श्याम की बात करें तो राम किसी काम को 6 सही 2/3 दिन यानी कि 6 से 18 यानी कि 20/3 दिन में कर सकता है, जबकि श्याम उसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 15 दिन में कर सकता है। तो अब आपको क्या करना है, 20/3 और 15 का एलसीएम लेना है। तो 15 के बटे में आप 1 मान सकते हैं तो ये क्या बन जाएगी, भिन्न। भिन्न का एलसीएम कैसे लिया जाता है, या बोले परिमेय संख्या रैशनल नंबर का एलसीएम कैसे लिया जाता है, तो भिन्न का ले लीजिए। भिन्न का एलसीएम कैसे लेते हैं, अंश का एलसीएम और हर का एलसीएम। तो हर में इसके 3 और इसके 1 है तो एलसीएम तो 1 आएगा। एलसीएम कितना आएगा, 15 और 20 का, तो आप कहेंगे सर 60 आएगा। तो यानी कि 60 यूनिट क्या बन गया, वर्क। वर्क कितने यूनिट का है, तो आप कहेंगे सर 60 यूनिट का वर्क है। अब ये 60 यूनिट का वर्क राम करता है 20/3 दिन में, तो एक दिन में कितना करेगा, तो आप कहेंगे सर 60 को भाग लगा दीजिए किससे, 20/3 से। तो 20 से ये 3 बार कटेगा और 3 ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई, तो एक दिन में राम 9 यूनिट काम करता है। 60 करता है श्याम 15 दिन में, तो एक दिन में कितना करेगा, तो आप कहेंगे सर 4, तो श्याम एक दिन में कितना करता है, 4। तो हमने राम और श्याम का एक एक दिन का कार्य भी निकाल दिया, यानी कि उनकी हमने क्षमताएं भी निकाल दी। अब आप देखिए हमारे पास वर्क भी और क्षमता भी है, तो बोल क्या रहे हैं कि उन्होंने मिलकर 4 दिन काम किया। तो अगर राम और श्याम की हम बात करें कि मिलकर वो एक दिन में कितना काम करते हैं, तो राम करता है 9, श्याम करता है 4, तो 9 और 4 13, एक दिन में करते हैं तो 4 दिन में कितना करेंगे, 13 चौक 52, कितना करेंगे, 52। अब 52 यूनिट काम कर लिया तो शेष काम कितना बचा, तो अगर हम रिमेनिंग वर्क की बात करें, शेष कार्य की बात करें कि शेष कार्य कितना बचा, तो 60 यूनिट में से 52 यूनिट का काम हो गया, तो बचा कितना, 8 यूनिट का काम। तो ये 8 यूनिट का काम कौन करेगा, तो आपको भाई राम तो अब छोड़कर चला गया ना, तो राम तो अब काम करेगा नहीं, तो ये काम अब श्याम करेगा 8 यूनिट का। श्याम एक दिन में कितना करता है, 4, तो 8 कितने दिन में करेगा, 2 दिन में। दिन कैसे निकाले जाते हैं भाई, आपको पता है दिन निकाले जाते हैं, जो भी कार्य है उसको जिस व्यक्ति से करवाना है उसकी क्षमता से भाग लगा दीजिए। तो श्याम की क्षमता 4 यूनिट है, तो 2 दिन में श्याम क्या कर लेगा, शेष कार्य को कर लेगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, श्याम 2 दिन में उस कार्य को कर लेगा। किस ऑप्शन में दिया है आपको, तो ऑप्शन बी में दे रखा है, तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया। ऑप्शन बी क्या हो गया बेटा, आपका आंसर हो गया। आई होप बात आपको समझ में आ गई कि किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन आप बनाएंगे। सबसे पहले जो आपको दिन दिए गए हैं उन दिनों के माध्यम से आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे और कार्य बनाएंगे। जब कार्य बनेगा तो उसको दिनों से भाग देंगे तो क्षमताएं निकालेंगे। फिर जिस व्यक्ति ने जितने दिन तक काम किया है उसकी क्षमता का उसके दिन से मल्टीप्लाई करके उसका काम निकालेंगे, और काम को फिर
पूरे काम में से माइनस करके शेष काम निकालेंगे। शेष काम जिससे करवाना है उस शेष काम को उस व्यक्ति की क्षमता से भाग दे देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे क्या कह रहा है देखते हैं। यहाँ पर लिखा है सीमा फ्लाइज अबाइड ऑन अ 60 मीटर स्ट्रिंग एट एन इंक्लिनेशन ऑफ 60 डिग्री, व्हाट इज द हाइट ऑफ द काइट अबव द ग्राउंड। सीमा 60 डिग्री की अनाति यानी कि इंक्लिनेशन पर 16 मीटर लंबी डोर से पतंग उड़ाती है, जमीन से कितनी ऊंचाई पर पतंग। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्री का एक पार्ट होता है हमारा हाइट एंड डिस्टेंस, तो उसका ये क्वेश्चन है। तो कैसे बनाएंगे अब आप देखिए, सबसे पहले बात करें कि ये पतंग कोई उड़ रही है, यहाँ पर ये पतंग ही कोई उड़ रही है। ठीक है, सीमा इसको उड़ा रही है, इसका ये धागा है। ठीक है, ये इसका धागा है, जमीन से ये सीमा यहाँ से उड़ा रही है। इसका जो धागा है वो कितना 16 मीटर लंबा है, कितना मीटर लंबा है 16 मीटर लंबा है। अब ये जो धागा है ये सीमा 60 डिग्री की नाती पड़ रही है, मतलब जो कोण इसका बन रहा है धागे का जमीन के साथ में, वो कोण कितने का बन रहा है, ये जो कोण यहाँ पर बन रहा है, ये जो कोण है वो 60 डिग्री का बन रहा है। कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का कोण बन रहा है। अब इन्होंने बोला है कि जमीन से कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है, मतलब ये आपको बतानी है ये ऊंचाई कितनी है, जमीन से कितनी ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है ये आपको बतानी है। ठीक है, तो अब बताइए यदि 60 डिग्री का कोण बनता है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि टेन 60 का मान बेटा क्या होता है, तो आप कहेंगे सर टेन 60 का मान होता है अंडर रूट तीन। तो टेन क्या होता है, लंब बटे आधा। तो हम ये कह सकते हैं कि ऊंचाई अगर अंडर रूट तीन है, आधार एक है, तो कर्ण कितना होगा, दो। 60 यदि डिग्री का कोण बनता है तो यहाँ पर लंब आधार और कर्ण, लंब आधार और कर्ण का जो अनुपात होता है वो अंडर रूट तीन अनुपात एक अनुपात दो होता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारे हिसाब से जो पतंग की डोरी है उसकी लंबाई कितनी है, दो है। तो दो यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, तो आप कहेंगे सर दो यूनिट की वैल्यू 16 मीटर के बराबर। तो एक यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, तो आप कहेंगे सर 8 मीटर के बराबर। दोनों तरफ दो से भाग लगा दीजिए, तो एक यूनिट की वैल्यू 8 मीटर के बराबर। पतंग कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है, रूट तीन, तो रूट तीन यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए दोनों तरफ रूट तीन से क्या कर दीजिए बेटा, मल्टीप्लाई कर दीजिए। दोनों तरफ रूट तीन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कितना निकल कर आएगा, 8 अंडर रूट तीन। तो आपका आंसर क्या निकल कर आएगा, 8 अंडर रूट 3 मीटर, यानी कि पतंग जो है वो 8 अंडर रूट 3 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। किस ऑप्शन में दिया है आपको, तो आप ऑप्शन देखिए 8 अंडर रूट 3 मीटर, ऑप्शन डी में दिया है, तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान रखना है अगर 60 डिग्री का कोण बन रहा है तो लंब आधार ऊंचाई का अनुपात, लंब आधार और कर्ण का अनुपात क्या होता है, अंडर रूट 3 1 और 2। अब यहाँ पर कर्ण कितना है भाई, 16 मीटर, यानी कि पतंग की लंबाई, भाई पतंग उड़ेगी तो तिरछे में उड़ेगी, वो कर्ण बनाएगी, हाइपोटेनियस बनाएगी। तो यहाँ पर दो यूनिट की वैल्यू 16 के बराबर, एक यूनिट की वैल्यू 8 के बराबर, अंडर रूट 3 यूनिट की वैल्यू निकालती तो 8 रूट 3 के बराबर। ठीक है, क्लियर होने के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है आपसे देखिए, दी सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी फॉर 3 इयर्स एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 6% पर एनम इज 6750, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट राउंडेड ऑफ ऑन द सेम सम एट द सेम रेट फॉर द सेम पीरियड कंपाउंडेड एनुअली इज क्लोजेस्ट टू। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निश्चित धनराशि पर 6% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज 6,750 रुपए है, तो समान धनराशि पर समान अवधि में वार्षिक रूप से संयोजित समान ब्याज की दर पर निकटतम पूर्णांकित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। पूर्णांक निकालना होगा, दशमलव में आएगा उसके दशमलव में छोड़ देंगे, ठीक है, दशमलव में नहीं लेने क्योंकि ऑप्शन में मैं नहीं दी। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, देखिए उन्होंने क्या दिया है, सबसे अच्छी बात तो ये है कि 3 साल का साधारण ब्याज दे रखा है, क्या दे रखा है, 3 साल का साधारण ब्याज आपको दे रखा है। तो 3 साल का साधारण ब्याज देखिए कितना दिया है, तो अगर हम बात करें कि 3 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट, 3 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है, तो आप कहेंगे सर
750। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक साल का साधारण ब्याज क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, तो आप जानते हैं कि साधारण ब्याज हर साल समान होता है। तो अगर 3 साल का साधारण ब्याज 6750 है, तो एक साल का एसआई कितना होगा, एक साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 6750 में आप 3 से भाग लगा दीजिए, क्योंकि साधारण ब्याज हर साल समान होता है। जब 3 से भाग लगाएंगे तो 3 × 6 × 6 × 5 = 15, यानी कि 2250। तो ये एक साल का ब्याज है, कौन सा साधारण ब्याज। अब आप ये भी जानते हैं कि एक साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर होते हैं। अब आप ये भी जानते हैं कि एक साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज जो होते हैं वो दोनों बराबर होते हैं, यानी कि 1 ईयर का एसआई, 1 ईयर का एसआई इक्वल टू होता है 1 ईयर का सीआई, मतलब एक साल का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 2250 है। तो अब एक साल का चक्रवृद्धि ब्याज 2250, हमें क्या बताना है, समान धनराशि है, समान समय अवधि है, तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज बताना है 3 साल का, यानी कि 3 साल का साधारण ब्याज था, तो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है पूर्णांक होता है, संभव में नहीं लेना है, पूर्णांक में बताना है। तो अब आप देखिए, आप जानते हैं ब्याज की दर कितनी दी है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 6% दिया, यानी कि पहले साल की अगर ब्याज की बात करें तो आपको कितना मिला, 2250 रुपये, कितना मिला, 2250 रुपये मिला, ठीक है, पहले साल का ब्याज 2250 रुपये मिला। अब चक्रवृद्धि ब्याज में आपको ये पता है कि ब्याज पर ब्याज मिलता है, तो दूसरे साल 2250 पर आपको कितना मिलेगा, 6%, 6% को आपने किस में कन्वर्ट कर लेना है भाई, 6/100 में, ठीक। अब देखिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दीजिए, 5 से 2 बार, 5 × 20 = 25, 2 से 3 बार, तो 45 दिया, कितना हो जाएगा, 4 × 12 135 हो जाएगा, तो 135 ब्याज आपको ये मिलेगा, मतलब ये मूलधन पर ब्याज था 2250 और उस ब्याज पर ब्याज आ गया 135 रुपए। अब आप क्या करेंगे, तीसरे साल में जाना है आपको, तो तीसरे साल में इस 135 पर भी आपको कितना मिलना है, 6%, तो इसका 6% और निकाल लीजिए, पहले 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 × 5 = 36 की 0, 8 × 3 = 3, 6 × 18 = 21 की 1 × 5 = 2 और 6 × 6 = 2 = 8, ठीक है, और 100 से भाग लगा देंगे तो ये आपको हो जाएगा 8.1, ठीक है। अब आप जानते हैं कि 3 साल का सीआई का रेशियो होता क्या है, तो अगर 3 साल का सीआई का रेशियो आपको नहीं पता है तो लिख लीजिए कि 3 साल के सीआई का जो रेशियो होता है, 3 साल के सीआई का जो रेशियो होता है वो होता है 3:3:1, यानी कि 3:3 और 1 के अनुपात में होता है। इसका मतलब क्या है कि जो आपका मूलधन का ब्याज आया था उसको आपको 3 गुना करना है, जो आपका ब्याज का ब्याज आया था उसको भी आपको 3 गुना करना है, फिर जो आपका फाइनली ब्याज का ब्याज आया था उसको आपको 1 गुना करना है। तो आप जब इसको 3 गुना करेंगे तो ये तो आपको कन्फर्म पता है, यानी 3 से भाग दिया था किसमें, 6750 में, तो ये तो आपका कितना हो जाएगा, 6750 ही रहेगा, ठीक। ये कितना हो जाएगा, तो देखिए ये आपका 390 और 105 की 105 होता है, तो ये 405 हो जाएगा आपका, ये आपको 405 मिल गया। यहाँ पर 8 दशमलव कितना हो जाएगा, 1, दशमलव में लेना नहीं है तो हम दशमलव पे एक अंक छोड़ भी सकते हैं, हमें नियरेस्ट पूर्णांक तक ही लेना है। तो अब आप देखिए कितना हो जाएगा, इस सबको अगर आप ऐड करते हैं, इन सबको अगर आप ऐड करते हैं तो देखिए 5 × 8 = 3, आंसर में कितना, 1, तो ये आपका 6, तो ये आपका आगे फाइनली कितना, 6, ठीक है। इसके बाद आपका नहीं हुई 3 अंक 7 4 11, आंसर में 1 + 7, यानी कि 7163 किस ऑप्शन में दिया है, तो 7163 ऑप्शन डी में दिया है, तो इस प्रकार ऑप्शन डी जो है बेटा आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया बात, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए भाई क्या कह रहा है आपसे, बोला है 3a - 4b³3 is equal to, यानी कि 3a - 4b³3 दिया है तो निम्न में से किसके बराबर होगी। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये a - b³ है, तो इसमें कितने पद आएंगे, इसमें 4 पद आएंगे, क्योंकि a - b, यानी कि अगर a यहाँ पर दिया है तो a - b की जगह पर यहाँ पर a - b ही लेते हैं। चलिए a - b³ क्या होता है, तो आप कहेंगे सर ये होता है a³, ठीक है, प्लस 3, अच्छा माइनस होता है इसमें बेटा, माइनस वाला है तो माइनस होता है, प्लस 3 होता है इसमें अभी, तो a माइनस b
इसके माध्यम से आप देखते से ही आंसर लगा सकते हैं इस क्वेश्चन का। आपको ज्यादा कुछ वैल्यू वैल्यू पुट नहीं करनी है। देखिए क्यों, क्योंकि इसके ऑप्शन ऐसे दिए हैं। आपको पता है कि जब आप a माइनस बी का होल क्यूब खोलेंगे तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस बी ए स्क्वायर भी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर आएगा। कितने टर्म्स में आएगा? चार, एक दो तीन चार टर्म्स में। यहाँ पर दो माइनस है, एक प्लस है, ठीक है। तो अब आप देखिए, पहला ऑप्शन दो टर्म्स में कैंसिल हो गया। दूसरा ऑप्शन देखिए आपका, एक माइनस दो माइनस एक प्लस, दो माइनस एक प्लस, बिल्कुल ये आपका आंसर। और तीसरा देखिए, एक टर्म में ये भी कैंसिल, ये भी दो टर्म में, ये भी कैंसिल। तो आपको विस्तार करने की जरूरत ही नहीं, इतना सिंपल क्वेश्चन आपको दे दिया। तो आपने देखा कि केवल आपको फॉर्मूला पता है कि चार टर्म्स होते हैं, उसमें से दो माइनस होते हैं और एक प्लस का होता है। तो दो माइनस एक प्लस और केवल फोर टर्म वाला एक ही ऑप्शन आपको दिया था, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे क्या कह रहा है भाई, देखिए इसकी भी और सुन लीजिए। दी वैल्यू ऑफ, ये आपको सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन आ गया है। 1800 डिवाइड बाय 20 इनटू ब्रैकेट में 12 माइनस 6 प्लस 24 माइनस 12 और ब्रैकेट क्लोज इज, इसका मान आपको बताना है क्या है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, सिंपल तरीके से अपन कर लेते हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं। यहाँ पर दिया है कि 1800 में भाग लगाना है किससे, तो आप कहेंगे सर 20 से, लेकिन इनटू लगा हुआ है, इनटू लगा हुआ है, बड़ा ब्रैकेट है यानी कि कर्ली ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट है, 12 माइनस 6 लिखा हुआ है, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज है, प्लस 12 माइनस 24 माइनस 12 स्मॉल ब्रैकेट फिर से क्लोज है, और फिर ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज है। इतना सा क्वेश्चन आपके पास आ गया भाई, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन दे दिए आपको। अभी सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया, हम सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, और यहाँ पर डिवाइड भी कर सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई से पहले डिवीजन होता है। जीरो से जीरो कैंसिल कर दीजिए, दो से ये 90 बार कट जाएगा, और मल्टीप्लाई का साइन है तो आप मल्टीप्लाई का साइन लगा के रखिए। ये ब्रैकेट को सॉल्व जब आप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6, और ये कितना हो जाएगा आपका 12, ठीक है। अब ये दोनों को भी आप प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, तो आपके आंसर 18, और 18 इंटू 90 आपको करना है। तो 18 नंबर कितना होता है, बस आपको इतना बताना चाहिए, 18 नंबर कितना होता है, तो 162 होता है, 162 होता है, और एक जीरो लग जाएगा यानी कि 1620 आपका आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा, 1620, किस ऑप्शन में दिया है 1620, तो ये आपका 1620 हो गया, ठीक है, 1620 आपका आंसर हो गया, क्लियर। तो इस प्रकार आपने आसानी से आंसर दे दिया, देखिए सिंपल क्वेश्चन था, उसमें क्या एक्स्ट्रा बता दें, आपको कुछ एक्स्ट्रा बताने की गुंजाइश ही नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए भाई क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 टेल है, व्हाट इज द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड सेंटर एंगल 45 डिग्री, टेक पाई इज इक्वल टू 22 अपॉन 7। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या और 45 डिग्री केंद्रीय कोण वाले वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए वृत्तखंड क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझ लें, अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, इस सर्कल ड्रॉ करते हैं, इसका सेंटर कोर है, ठीक है। यहाँ हमने परिधि पर दो बिंदु ले लिए ए और बी, ठीक है, ये ए और बी से इसकी सेंटर पर कितना 45 डिग्री का कोण बनता है, इन्होंने क्वेश्चन में बोला है, इन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि 45 डिग्री का कोण बनता है, और इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है 14 सेंटीमीटर। तो ये 14 सेंटीमीटर क्या है, त्रिज्या दोनों तरफ 14 सेंटीमीटर होगी। तो इन्होंने ये बोला है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले और 45 डिग्री का केंद्रीय कोण अगर बनता है तो उस वृत्त खंड का क्षेत्र बताना, मतलब ये जो वृत्त का खंड है, छोटा सा भाग है, जो 45 डिग्री का इसके केंद्र कोण बना रहा है, उसका एरिया आपको बताना है कि क्या होगा, यानी कि ये वाला पोर्शन आपको बताना है क्या होगा, ये एरिया आपको बताना है क्या होगा, ये वाला एरिया बताना है। तो देखिए वृत्त खंड का क्षेत्र क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तो आप लिख लीजिए वृत्त खंड का क्षेत्रफल, यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर, इसमें दिया हुआ है एरिया ऑफ सेक्टर, यानी वृत्त खंड का क्षेत्र होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए थीटा की वैल्यू कितनी दी है, तो आप कहेंगे सर 45 दी है, बटे में कितना 360, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 है, और आर स्क्वायर यानी कि 14 का स्क्वायर, ठीक। अब देखिए आपको एक चीज ये भी पता होना चाहिए कि पाई आर स्क्वायर अगर आपको दिया है, तो हमेशा ध्यान रखना, अगर आर की वैल्यू आपकी त्रिज्या की वैल्यू
क्षेत्रफल कितना होता है? 616 होता है। मतलब इस पूरे को आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। अगर आपके पास रेडियस कितनी है, रेडियस 14 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो 616 होती है, ये आपको याद रखना। और अगर रेडियस आपके पास कितनी है, रेडियस आपके पास 7 सेंटीमीटर है, तो जो पाई आर स्क्वायर यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो आपका 154 होता है। और अगर हम परिधि की बात करें तो 2 पाई आर यहां पर कितनी होती है, 14 रेडियस होने पर, त्रिज्या होने पर 88 क्या होता है आपका, परिधि होती है। और 7 रेडियस होने पर 2 पाई आर यानी कि परिधि की वैल्यू जो होती है वो 44 होती है। तो यहां से आपको ये कैलकुलेशन का समय बच जाएगा। इस पूरे की वैल्यू आप 616 देख सकते हैं, ठीक है। तो 45 से आप इसको कैंसिल करिए, 9 से 5 बार, 9 चौक 36 4 बार, तो ये कितना बचा, तो आप कहेंगे सर 1/8 इंटू इसकी वैल्यू कितनी आ गई, तो आप कहेंगे सर 616। अब 8 से भाग लगाएंगे आप कहेंगे सर 8 7 56, 8 7 56 तो 5 बचा, तो 61, तो 7 फिर से 5 बचा, तो 8 7 56 तो कितना हो जाएगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि वृत्तखंड का क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर होती है, तो 77 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि आपका आंसर हो गया ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी क्या हो गया बेटा आपका आंसर, देखा कितना सिंपल था। बस आपको कुछ चीज़ें याद करनी है, ये चीज़ें आपको अपने दिमाग में हमेशा के लिए रखनी है, ये बहुत काम की चीज़ें हैं दोनों, इन दोनों चीज़ों को आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। इन दोनों चीज़ों को आपको दिमाग में रखना है कि अगर रेडियस 14 है तो एरिया 616 होता है और परिधि 88 होती है, और रेडियस यदि 7 है तो क्षेत्रफल यानी कि एरिया 154 होता है और परिधि यानी कि सर्कमफ्रेंस 44 होता है। क्लियर है बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे क्या कह रहा है, देखिए एक आपको फिगर दिया है, उस फिगर के हिसाब से आपको कुछ चीजें बता दी है। क्वेश्चन लिखा है, ए राइट ट्रायंगल शोन इन द फिगर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दी गई आकृति समकोण त्रिभुज में, ये समकोण त्रिभुज है, में कोसेक थीटा का मान कितना है। अब ये थीटा कहां पर, भाई यहां पर 90 डिग्री बन रहा है, देखिए आप 90 डिग्री यहां पर दिया हुआ है, कोसेक थीटा का मान आपको बताना है। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए 90 के सामने की भुजा कर्ण होती है, तो ये कर्ण हो गया, और थीटा के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है, तो यहां से हम मेंशन कर सकते हैं इसी डायग्राम में काफी आसानी से कि थीटा के सामने की जो साइड होती है वो क्या होती है, लंब। लंब मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है। और 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है वो होती है कर्ण, कर्ण मतलब हम बोले तो हाइपोटेनियस। तो अब बचा क्या है आपका, आधा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आधार यानी कि बेस, ये आपका क्या हो जाएगा बेस। तो हमारे पास देखिए परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस बेस की अगर बात करें तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो अगर ये 13 है ये 5 है तो ये आधा कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए, क्योंकि ट्रिपलेट होते हैं, ये क्या होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं। तो अगर एक समकोण त्रिभुज में आपको एक भुजा 5 दी है, एक 13 दी है, तो अगली कितनी हो जाएगी, 12। तो हमारे पास देखिए आधार भी आ गया, अब हमें कोसेक थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो कोसेक थीटा होता क्या है भाई, कोसेक थीटा होता क्या है, कोसेक थीटा साइन का अपोजिट होता है, उल्टा होता है, विलोम होता है, तो साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो कोसेक क्या होता है, कर्ण बटे लंब, कोसेक क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, कर्ण बटे लंब, कर्ण कितना है 13 और लंब कितना है 5, भाई इसमें तो आधार की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, निकालना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि लंब और कर्ण दोनों दिए थे, तो 13/5 इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा, 13/5 इस क्वेश्चन का आपका क्या है बेटा आंसर है। क्लियर होने के बाद इस ऑप्शन में दिया है 13/5, तो ऑप्शन ए पहला ही ऑप्शन जो है आपका आंसर है, सिंपल क्वेश्चन, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, तो इस क्वेश्चन को और देख लीजिए भाई क्या कह रहे हैं, यहाँ लिखा है राम मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 30% बाय सेलिंग एन आर्टिकल, what would be the profit percent if it is worth calculated on the selling price instead of the cost price, correct to what decimal place। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि राम एक वस्तु को बेचकर 30% का लाभ कमाता है, 30% का लाभ कमाता है, इसे क्रय मूल्य के स्थान पर यदि विक्रय मूल्य पर गणना की जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, दशमलव के एक स्थान तक आपको बताना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप ऐसे समझिए कि भाई लाभ अभी किस पर कैलकुलेट कर रहा है, वो कॉस्ट प्राइस पर,
यानी कि क्रय मूल्य। अब ये बोल रहे हैं कि लाभ की गणना अगर विक्रय मूल्य पर की जाए तो बताइए कि कितना परसेंट लाभ होगा। तो देखिए 30% का लाभ हो रहा है, कितने का? 30% का। 30% आप जानते हैं कि 3/10 होता है, और ये जो 30% का लाभ है वो किस पर कैलकुलेट किया जा रहा है? क्रय मूल्य पर। तो हम कह सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर होता है वो क्या होता है आपका? क्रय मूल्य। तो यहाँ पर 10 क्या है आपका? क्रय मूल्य। और 3 क्या है यहाँ पर? तो आप कहेंगे सर लाभ है। तो 3 क्या है यहाँ पर? लाभ है। तो 3 लाभ और 10 क्रय मूल्य है। तो अगर हम विक्रय मूल्य की बात करें कि विक्रय मूल्य क्या होगा, तो आप कहेंगे सर विक्रय मूल्य निकालना बहुत आसान है। अगर क्रय मूल्य में किसको ऐड कर दें, क्रय मूल्य में किसको जोड़ दें, लाभ जोड़ दें, तो क्या निकल आएगा? तो आप कहेंगे सर विक्रय मूल्य। तो 10+3 यदि आप कर देते हैं तो 13 हो गया विक्रय मूल्य। तो अब ये क्वेश्चन यही कह रहा है कि यदि विक्रय मूल्य पर गणना की जाए, लाभ की जो गणना विक्रय मूल्य पर करना है, तो लाभ परसेंट क्या होगा? तो अब आपको नया लाभ परसेंट बताना है, लेकिन उसकी कैलकुलेशन किस पे करनी है आपको? विक्रय मूल्य पर। तो लाभ तो भाई आपका 3 ही है, लेकिन किस पर? 13 पर। इनटू क्या करना है? 100, क्योंकि विक्रय मूल्य पर लाभ की गणना करना है। तो ये कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 300/13 कितना? 13। तो दशमलव के एक स्थान तक निकालना है, तो भाई कैलकुलेट कर लीजिए, 13 × 26 कितना बचेगा? 4, 13 × 39 दशमलव लग जाएगा, 1 बचेगा 10, बाकी जा रहा है तो भागना स्थल 0, तो भाई कितना हो जाएगा ये? 100। 13 × 97 हो गया भाई। अगर दशमलव के बाद क्या होता है? कोई अंक हमें एक स्थान तक लेना है, अभी दूसरे स्थान का अंक क्या है आपका? 7 है, तो उसके पहले वाले अंक आप 1 जोड़ सकते हैं, ये आपका 23 दशमलव कितना हो जाएगा? 1% का लाभ होगा यदि आप विक्रय मूल्य पर गणना करते हैं। तो 23.1% किस ऑप्शन में दिया है आपको? 23.1 ऑप्शन सी में दिया है, तो ऑप्शन सी आपका इस प्रकार आंसर होगा। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ये लास्ट क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। यदि वीडियो आपको बच्चों अच्छा लगा तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अपना भरपूर प्यार हम पर लौटाएं, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हमारी क्वेश्चन की समाप्ति हो गई है, तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपने ऑफिशियल ऐप की। देखिए बच्चों, ये हमारा स्टडी एड का ऑफिशियल ऐप है, यदि आपने इसको अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो तुरंत डाउनलोड करें, काफी फायदेमंद रहेगा यदि आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी दृष्टि से, यदि आप एकेडमिक की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए फायदेमंद है। क्योंकि देखिए इसमें क्या है, आपको सॉल्ट पेपर्स मिल जाएंगे, उनके वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, साथ ही साथ आपको उनका PDF भी अवेलेबल रहेगा, ठीक है? तो सॉल्यूशन के साथ में PDF भी अवेलेबल रहेगा, ठीक है? स्टडी पैकेज भी है, अगर आप कोई पैकेज स्पेशल रूप से खरीदना चाहते हैं तो वो भी आप खरीद सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो ऑनलाइन टेस्ट देने की सुविधा भी अवेलेबल है इसमें, सैंपल पेपर्स आपको मिल जाएंगे काफ़ी सारे, NCERT कॉर्नर है यहाँ पर, तो NCERT से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें आपको उपलब्ध है यहाँ पर। साथ ही साथ ओलंपियाड कॉर्नर मीन्स जो हार्ड क्वेश्चन का कलेक्शन होता है वो भी आपको यहाँ पर अवेलेबल है, मिल जाएगा, नोट्स भी मिल जाएंगे। तो यदि आपने अभी तक इस ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो तुरंत डाउनलोड करें, ठीक है? बस इसी बात के साथ में आज हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, धन्यवाद।